नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबर। घर बनाना आम आदमी का एक ऐसा सपना है जिसको पूरा करने में एक आम आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाती है, क्योंकि आजकल की महंगाई में एक रुपया जोड़कर एक आम आदमी पहले तो प्लाट खरीदता है, उसके बाद घर की नींव की शुरुआत होती है, जहां राजस्व विभाग एवं भू माफिया से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों को प्लाट देने के एवरेज में पैसे लेते हैं और फिर उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है रीवा जिले से, जहां पीड़ित रजनीश कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, छोटेलाल कुशवाहा के द्वारा भू माफिया रवि वर्मा और उसके छोटे भाई आकाश वर्मा के द्वारा प्लांट की रजिस्ट्री करवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई है। आपको बता दें कि छोटेलाल कुशवाहा से प्लांट की रजिस्ट्री के लिए किस्तों में 7,300,000 एवं रजनीश कुशवाहा के द्वारा 4,00,000 और राजेश कुशवाहा के द्वारा 3,150,000 दिया जा चुका है। लेकिन भू माफिया से जब जमीन की रजिस्ट्री को बोला गया तो आजकल करते रहे, और अब जब पीड़ित भू माफिया से संपर्क करते हैं तो वह माफिया के द्वारा ना तो फोन उठाया जाता है और ना ही घर का दरवाजा खोला जाता है, जिसकी वजह से पीड़ित को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ितों के द्वारा चुराता थाना में आवेदन भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्यवाही पुलिस के द्वारा नहीं की गई, जिसकी वजह से आज पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आपको सुनाते हैं पीड़ितों का क्या कहना है। नाम है, कहां से आए हैं आप? हमारा नाम है छोटेलाल कुशवाहा, सीधी से आए हैं, नौढ़िया शिवाजी नगर कॉलोनी। क्या शिकायत लेकर आए हैं इसके ऊपर? शिकायत इसलिए लेके आए हैं कि मतलब रवि वर्मा, आकाश वर्मा, ये दोनों हमारे पैसा लिए हैं, एग्रीमेंट करवाए थे 2019 में। कोई नहीं है, अब एक किस्त में पैसा लिए, माने कैश में लिए, हम मोबाइल और चेक में नहीं दे पाए थे, हमारे पास नहीं था, तो एक बार 50,000 रुपये दिए हैं, फिर इसके बाद एक बार 3,00,000 दिए हैं, और एक बार और ऐसे करके मतलब 1.5-2 लाख रुपये इकट्ठा दिए हैं, एक बार 1,63,000 दिए हैं, ऐसे तैसे करके मतलब 3,25,000, ए राम राम, 7,25,000 है सब कुल। अब क्या है, अब उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, अपन सीधी में रहते हैं, फ़ोन से बात करते हैं। इसकी शिकायत आप थाने में दिए हैं? चोराटा थाने नहीं पहुँचे अभी, कुछ लोग गए थे तो बता रहे शिकायत नहीं हो रही है क्या? हाँ जी, अभी नहीं पहुँचे हैं, जाएंगे। अभी आप डायरेक्ट एसपी ऑफिस आए हैं? जी, अभी डायरेक्ट एसपी साहब। भैया आपका? मेरा नाम राजेश कुशवाहा सर। क्या शिकायत लेकर आए हैं एसपी ऑफिस? मैं जमीन लिया था किस्त में रवि वर्मा द्वारा, उस किस्त बाई किस्त 3 साल की किस्त में जमीन दिया था मेरे को, पैसा पट गया, इसके बाद मेरे को 1 साल बीत गया, पैसा पटा हुआ, आज तक रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है, अब फ़ोन लगाते फ़ोन भी नहीं उठाता है, और घर जाते हैं तो दरवाज़ा भी नहीं खोलता। कहाँ की ज़मीन है ये? ये ज़मीन रौसर की है सर। जिससे ज़मीन ली, कहाँ का रहने वाला है? ये चौराहटा गुरुकुल स्कूल के बगल में है इसका घर, रवि वर्मा इसका नाम है, इसके पिता का नाम अनिल वर्मा है और एक बेटा इसका आकाश वर्मा है। ऑफिस वगैरह कहाँ डाला था? ऑफिस आशीर्वाद प्लाजा में डाला था, एक खन्ना चौराहा में डाला था, दोनों ऑफिस बंद हो चुके हैं। फ़ोन ऑन लगाते हैं आपको नहीं उठाते? फ़ोन लगाते तो नहीं उठाता सर। कितना पैसा दे चुके हैं? मैं 3,15,000 रुपये टोटल दे चुका हूँ सर। और भी आपके साथ हैं कई? हमारे लोग में 5-6 लोग हैं और सबका कम से कम 20-25 लाख रुपए ले चुका है, और सबसे फरारी काटा हुआ। कौन से थाने का मामला है? थाना गए थे? चौराहटा थाना का मामला है सर। थाने गए थे आप? थाने मैंने गया था और आवेदन दिया था, वहाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कोई भी कार्रवाई नहीं क्या नाम है आपका? रजनीश कुशवाहा सर। क्या शिकायत लेकर आए हैं आज आप? सर, ये काफ़ी समय से पैसा लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, हैं विश्वास दिलाए कि हम रजिस्ट्री कर देंगे, जब पैसा मिल गया, फिर भी आज से करीबन 1.5 साल हो गया सर, रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। तो ये रवि वर्मा और इसके छोटा भाई है आकाश वर्मा, ये दोनों आपस में मिल के हम लोग की ज़मीन प्लाटिंग के नाम पर हम लोग को धोखा दिए और रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। कब आपको पता चला कि पैसा मतलब रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं? कब पैसा दिया था आपने? सर, 2022 में मैंने दिया था, शुरुआती फरवरी तक। कितना पैसा आपने दिया है? 4,00,000 रुपए तक दे चुका हूँ सर। तो किस्त में दिए होंगे? कितना कब? किस्त में दिए हैं?
काहे से दिए थे? आरटीजीएस से और फोन पे के माध्यम से, कुछ थोड़ा बहुत है जो कैश के माध्यम से है। कितना कितना दिए हैं बताइए? आरटीजीएस में है 40 लाख का, सॉरी 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, और फोन पे में है हर महीने 10-10 हज़ार रुपये हर महीने देता था। पैसा पूरा दे चुके हैं जी? ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ ठगी इस तरह की हुई है? सर 10 से 15 लोग हैं जो मेरे जानकारी में है, बाकी अगर अभी मैं पता करने गया जहाँ ऑनलाइन वाले दुकान वाले बताते हैं कि कम से कम वो आदमी 50 से 100 लोगों का ठगी कर चुका है। अभी थाने गए थे आप लोग शिकायत किए हैं? नहीं सर, अभी थाने जाऊँगा। और लोग भी जा चुके हैं तो उनकी शिकायत नहीं सुनी गई? नहीं सुनी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।